नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमोह संसदीय सीट से पूर्व सांसद रहे चंद्रभान सिंह की माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए नरसिंहपुर के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के दमोह लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल को पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जालम सिंह को दमोह जबलपुर सीमा पर गुबरा के पास गिरफ्तार किया गया। वहीं उनको सिग्रामपुर चौकी में घंटों बैठा कर रखा गया। इस मामले पर जहां पुलिस का कहना था कि दमोह संसदीय सीट पर मतदान का दिन था, ऐसे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन जालम सिंह पटेल दमोह संसदीय क्षेत्र की सीमा में घूम रहे थे, जिस कारण से ये कार्यवाही की गई। वहीं इस मामले पर सांसद प्रहलाद पटेल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी अंत्येष्टि में जाने के लिए भी क्या अनुमति लेनी होगी। उन्होंने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने तथा भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर जातिगत द्वेष के चलते कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद और हमारे समधी साहब, उनकी माता जी का निधन हो गया, तो अंत्येष्टि में तो मैंने कहा स्वाभाविक है, आज मतदान है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डेड बॉडी के साथ आके फ्यूनल से फिर वापस चला जाऊंगा। और वो फ्यूनल से वापस जा रहे थे तो उनको जबलपुर जिले में प्रवेश करने के पहले रोका गया और ये बताया गया कि साहब कहीं से पॉइंट मिला हुआ है। और उन्होंने कहा कि भाई ये पता कर लो, इसी ज़िले में अंत्येष्टि हुई है। लेकिन पुलिस ने ना मानते हुए उनको घंटों वहाँ बिठाया। और अब ये जानकारी आ रही है कि वो कह रहे हैं, तो उनने कहा कि ठीक है, मुझे दमोह लेकर चलो, वहाँ मुकदमा बनाओ, मुझे जेल पहुँचाओ। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जबलपुर जाइए, आप पर हम मुकदमा नहीं बना रहे। तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि एक वरिष्ठ विधायक जो एक ऐसे दुखद प्रसंग से वापस आ रहा हो, उसके लिए भी क्या परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, मैं विधानसभा के नियम कायदों को समझने की भी कोशिश करता हूँ, विधानसभा को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि आचार से तो उनकी फ्यूनल में आया था, लौट रहा था गुबरा के पास, पुलिस ने रोका कि आपने संसदीय क्षेत्र में घुसने के वायलेंस किया है, इसलिए रोका। दमोह से रविंद्र जैन छोटू की रिपोर्ट।